टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, दांव पे सब कुछ लगा है लेकिन रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ये पंक्तियां किसी कवि की नहीं, ये हमारे देश के महान नेता श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं, जिनकी सोच इतनी ऊंची थी तो उनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा होगा। अटल जी ने हमारे देश को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनाया और विश्व में, पूरे विश्व को उन्होंने वो करके दिखा दिया। सन 1998 में जो आज तक कोई भी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। अटल जी का जन्म सन 1924 को मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था, जिन्होंने 4 दशकों तक भारतीय संसद की शोभा बढ़ाई, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने अपना कदम राजनीति की ओर बढ़ाया और आजीवन अविवाहित रहकर देश की सेवा करते रहे। ऐसी शख्सियत थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। वह भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक थे। राजनीति में कदम रखने के बाद वह दिन भी आया जिसका इंतजार अटल जी को बहुत बेसब्री से था। बात सन 1952 की है, जब उन्होंने जनसंघ की टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा और असफलता हाथ लगी, लेकिन अटल जी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने पुनः प्रयास किया। 1957 में वह घड़ी आ गई, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अपना जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया और विजय श्री प्राप्त हुई और वह लगातार 20 वर्षों तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। 1977 में वह दिन भी आ गया जिस दिन का हर नेता इंतजार करता है, और वह भारत के पहली बार विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री के पद में रहते हुए उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, विदेशों में जाकर अपने देश का सम्मान गौरव बढ़ाया और ऐसी विदेश नीति बनाई जिससे देश के आर्थिक ढांचे में सुधार करने में बहुत सफलता मिली। 1998 में वह दिन भी आया जब माननीय श्री अटल बिहारी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने। 1998 में उन्होंने 11 मई और 13 मई को 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया और विश्व पटल में देश की वैश्विक शक्ति के रूप में उन्होंने विश्व समुदाय के सामने देश को प्रस्तुत किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मित्रवत संबंधों को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए और दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरुआत कराई और प्रथम यात्री बन के पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मिले, देश में चतुर्भुज रोडों का निर्माण कराया। अटल जी के ही समय में देश में दूर संचार क्रांति आई। अटल जी भारतवर्ष के उन महानतम नेताओं में हैं जिनके
योगदान को भारतवर्ष कभी भुला नहीं सकता है। अटल जी हम भारतीयों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत हैं और स्रोत रहेंगे। उन्हीं के पद चिन्हों में चलकर आज हमारे देश के राष्ट्र के नेता अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऋण ये देश कभी नहीं उतार पाएगा। हम अटल बिहारी जी को बार बार बारंबार सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।